हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जीनियस इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आप लोग के लिए तीन ऐसे टिप्स लेकर के आया हूँ जिस पे आप थोड़ा काम कर लेते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं तो इससे आपकी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन है ये तो आप आसानी से करोगे ही करोगे, और साथ ही आपकी वोकेबलरी, आपकी वर्ड पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जिस पे आपको काम करना है वो है प्रेफिक्स और सफिक्स। अब ये क्या होता है ये मैं वीडियोस में बताते रहता हूँ, अभी बता रहा हूँ। प्रेफिक्स यानी कि वर्ड के पहले आकर के लग जाता है, ये प्रे है, प्रे का मतलब होता है बिफोर, प्रे का मतलब ये होता है बिफोर। और सफिक्स किसी भी वर्ड के बाद में आकर के लगता है। अब इस पर काम कैसे करना है, यानी कि जब भी आप कोई भी वर्ड याद करो तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा उसमें प्रेफिक्स और कौन सा सफिक्स यूज किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स या प्रेफिक्स यूज किया रहेगा तो ये जो सफिक्स और प्रेफिक्स के जो भी मीनिंग होते हैं ना, उस वर्ड का जो भी मीनिंग होगा तो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने पहला एग्जांपल प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स के पहले यहाँ पर प्रेफिक्स यूज किया गया है तो इसका मतलब होता है बिफोर, तो इसका जो मीनिंग है वो प्रेफिक्स अपने तरफ कर लिया। उसी तरह से किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स यूज किया रहता है तो उसका जो मीनिंग, सफिक्स का जो मीनिंग होता है वो वर्ड का, जो पूरे वर्ड का जो मीनिंग होता है वो अपने तरफ खींच लेता है। तो इस पर आपको थोड़ा काम करना होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट बताता हूं जो सफिक्स के कुछ लिस्ट बता रहा हूं। ओके, अब यहां पर आपके सामने सफिक्स का लिस्ट आ गया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते हो तो वहां पे भी आपको यह पोस्ट मिल जाएगी। अब यहां पर आप लोग देखने वाली बात है कि बहुत से वर्ड आपने देखा होगा कि MENT से अंत हो रहा है, बहुत से वर्ड आपने देखा होगा कि TION से अंत हो रहा है, तो यह सब क्या है, यह सब एक सफिक्स है। अब यहाँ जो मैंने डिवाइड कर दिया नाउन सफिक्स, MENT से कोई वर्ड अंत होगा तो वहाँ पर वह वर्ड नाउन हो जाएगा। अब कोई वर्ड FUL, ABLE, OUS इन सब वर्ड से अंत हो रहा होगा तो वह वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब से यहाँ पर अंत होगा IAC, IJD, FY, ATE, यानी कि किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड IJD, FY से अंत हो रहा होगा, इन सब जो वर्ड से अंत हो रहा होगा तो वह वर्ब कहलाएगा। एडवर्ब में यहाँ पर मुझे एक ही वर्ड मिला जो कि LY से अंत होता है तो वो एडवर्ब भी कहलाता है। ओके, तो यह काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे आप आसानी से पता कर लोगे कौन से वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। अब ये आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स या सिनोनिम्स को फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है जिस पे आपको काम करना है वो है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड का क्या सीन है, जैसे मैं बताया सफिक्स और प्रेफिक्स में कि जो उसके जो वर्ड्स होते हैं कोई भी वर्ड्स में आकर के ऐड हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो उसके जो पूरे वर्ड का मीनिंग होता है वो अपने तरफ खींच लेता है। वैसा ही कुछ रूट वर्ड के साथ भी है, लेकिन रूट वर्ड के साथ कोई डिफिनिट नहीं है कि यह वर्ड के पहले आकर के लगेगा या फिर बाद में आकर के लगेगा, यह वर्ड के बीच में भी आकर के लग सकता है, यानी कि पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है और बीच में भी आकर के लग सकता है, इसका कोई भी डिफिनिट नहीं है। ओके ना, अब सवाल आता है कि रूट वर्ड पे काम कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स या कोई वर्ड्स आपके सामने ऐसे आ गए जिसका आपको रूट ही पता नहीं है, तो ऐसे में रूट वर्ड पे काम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें रूट कौन सा रूट यूज किया गया है। मैं आप लोग के लिए यहाँ पर सप्ते में 2-3 वीडियोस रूट वर्ड पे लाते रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा, क्योंकि रूट वर्ड है बहुत ही लिमिटेड, रूट वर्ड काफ़ी लिमिटेड है और इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो अनलिमिटेड बनते हैं। अब तीसरी चीज़ है जिस पे आपको काम करना है कि वर्ड्स के निगेटिव और पॉजिटिव सेंस पे काम करना है। ओके, क्योंकि बहुत से वर्ड है जिसमें ना तो प्रेफिक्स रहते हैं ना ही सफिक्स रहते हैं, और बहुत से वर्ड इसमें रूट भी नहीं रहता है, वह वर्ड कम्प्लीटली ओरिजिन रहते हैं। ओके, तो ऐसे में जो वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वह आप एक सेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वर्ड्स का मीनिंग याद करना डिफ़िकल्ट रहता है, तो ऐसे में जब भी आप वर्ड्स को याद करो, कोई भी वर्ड्स को याद करो तो उसका सेंस है या तो फिर निगेटिव की तरफ होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा, यानी कि उसका जो यूज होगा वो अच्छे चीज़ों के लिए होगा या फिर बुरी चीज़ों के लिए होगा, तो इस तरीके से आप वर्ड के सेंस को ध्यान में रख सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि आपने इतना जो काम किया है, ये तीन स्टेप जो आपने फॉलो किया है, जिस पे आपने काम किया है, उसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सपोज़ कि हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, हमें रूट पता है, ओके, और प्रेफिक्स और सफिक्स पे हमने अच्छे से काम कर रखा है, मीनिंग का हमें टेंशन नहीं है, मीनिंग हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मेन वर्ड है, एक मेन वर्ड है और 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे रखा है जिसके यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके सामने जो पहला वर्ड है 28, इसमें ए है, ए यहाँ पर
प्रेफिक्स है, ओके। ए प्रेफिक्स है, ए का मतलब होता है नॉट। अब हमें पता चल गया कि वर्ड जो है वो निगेटिव सेंस में है, ओके। सेंस यहाँ पर हमें क्या समझना है कि वर्ड जो है वो पूरा निगेटिव सेंस में चला गया। और थाई का मतलब होता है गॉड, हमने रूट वर्ड पे भी काम कर रखा है जिससे हमें पता है कि थाई का मतलब होता है गॉड। और एसटी से वर्ड अंथोरा होगा, तो मैंने यहाँ पर सफिक्स के लिस्ट आप लोग को बता रखे हैं सफिक्स में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एसटी कोई भी वर्ड में आ जाएगा तो वह वर्ड नाउन कहलाएगा, ओके। तो यह वर्ड भी नाउन है। अब ये तीन चीज़ें हमें अच्छे से पता है जो भी जिस पे हमने अभी अभी काम किया है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है थाईस्ट, यानी कि वर्ड आपका पॉजिटिव में है। हमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है, तो थाईस्ट को हम लोग ऐसे ही हटा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अनबिलीवर, अनबिलीवर ये भी वर्ड निगेटिव में है, ओके। वर्ड आपका अन आ गया, अन हमें पता है कि हमने प्रेफिक्स पे काम कर रखा है, अन का मतलब हमें पता है कि निगेटिव सेंस में चला गया वर्ड, तो यह क्या है, यह निगेटिव सेंस में है, तो यह अभी अल्टरनेट में हम लोग रखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं पॉलीथाइस्ट, पॉली यानी कि पॉली का मतलब होता है, यह भी एक रूट वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। और चौथा है गॉड, ओके। अब यहाँ पर गॉड से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गॉड भी यहाँ पर नहीं होगा। अब हमें सिनोनिम्स को ढूंढना है, तो सिनोनिम्स इसका क्या हो रहा है, समान अर्थ के शब्द अनबिलीवर हो जाए, क्योंकि यह भी निगेटिव सेंस में वर्ड है और अनबिलीवर भी निगेटिव सेंस में है। अब जब हम इसको एंटोनिम्स हम इसका ढूंढेंगे, तो इसके एंटोनिम्स को ढूंढेंगे, ओके ना, अपोजिट वर्ड को ढूंढेंगे, तो अथाइस्ट यानी कि निगेटिव सेंस में, तो किसको ढूंढेंगे, पॉजिटिव सेंस वाले को ढूंढेंगे, तो ये आपका थाइस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ओके। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, नहीं पसंद आया हो तो कर दीजिए डिसलाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।